नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो है वो स्टॉल लगा है हॉल नंबर 6 में, जहां आप देख रहे होंगे कि ये अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि चंद्रयान जो है वो मून पे लैंड किया है। तो चंद्रयान का एक प्रोटोटाइप है जो कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा बनाया गया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करेंगे और समझेंगे कि चंद्रयान जो लैंड किया है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स थे, किस तरीके से सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन जो है उन्होंने इस एग्जीबिशन में लगाया है, इसके बारे में जानेंगे। तपिस, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये जो आपने चंद्रयान का एक मॉडल बनाया है, इसमें क्या क्या यूज़ किया, कौन कौन से इक्विपमेंट है इसमें? सर, जैसे कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 हमारे इंडिया के लिए कितनी सफलता वाली चीज़ रही, तो उसी चीज़ को उस सफलता के बाद हर एक भारतीय ये सोच रहा था कि हाँ हम चांद पे हैं। तो जो इमोशन था, हमने उस इमोशन को कैप्चर किया और हमने सोचा क्यों नहीं उस इमोशन को जिया जाए। तो हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक पूरा प्रोटोटाइप बनाया जिसके अंदर हमने सिग्नल कैप्चरिंग, रेडार्स, वंशिका आप इधर आ जाओ, वी हैव रेडार्स हेयर, सिग्नल कैप्चरिंग मैकेनिज्म हेयर, देन कैमराज हेयर, देन द मेन पार्ट ऑफ द चंद्रयान वॉज अ पे लोड एंड देन इज अ विक्रम लैंडर हेयर। इसके वंशिका आप इसके फंक्शनिंग को बताएं, एक पेलोड आपने जो लगाया, इसकी क्या? सर, पेलोड मींस कि दिस इज द हार्ट, बोलते हैं ना किसी चीज़ का एकदम मेन चीज़ जो होती है दैट इज पेलोड, जो हर चीज़ को इधर कंट्रोल करता है। ये रडार है जिसने हमको डायरेक्शन और सिग्नल दिए, एंड दीज आर दी कैमरा, ये वही कैमरा है जिसने हमको चांद की बहुत खूबसूरत तस्वीरें दी। पहला जब रोवर उतरा था, एक स्मॉल जो कैप्चर आया था जिसको देख के पूरा इसरो में एकदम तालियां बजी थी, वो इन्हीं कैमरों के द्वारा ली गई थी। अच्छा, विक्रम लैंडर के बारे में निखिल आप बताएं। सर, बेसिकली विक्रम लैंडर जो है हमारा देश का एक बहुत बड़ा तरक्की है। हाँ, तो विक्रम लैंडर वही चीज़ है जो मून के अंदर जो मिनरल्स है वो हमारे विक्रम लैंडर के द्वारा हमारे साइंटिस्ट को, इसरो साइंटिस्ट को मिलते हैं। ये सोलर सिस्टम है, सॉरी सोलर पैनल है जहाँ से विक्रम लैंडर को पावर मिलती है, और वो जो हमारे मून के ऊपर मिनरल्स है, तत्व, घनिष्ठ तत्व है, वो हमारे साइंटिस्ट को मिलते हैं। और हमारे देश को ये एक बहुत ही ज़्यादा सफलता की बात है कि विक्रम लैंडर हमारा जो आगे आया है। और इस एग्जीबिशन में आप लोगों ने ये कुछ बनाया है सेल्फी स्टेशन, क्या है, किस तरीके से सेल्फी स्टेशन काम करता है, सेल्फी स्टेशन के बारे में बताएं। सर, जैसे कि हमने कहा वो इमोशन को कैप्चर करने के लिए, उसी इमोशन के लिए हमने पूरा एक मशीन बनाई जिसका नाम है सेल्फी स्टेशन अ मेमोरी मेकर, जिसमें एक हमने DSLR रखा है, स्क्रीन है और एक प्रिंटर है। जैसे ही कोई यहाँ पर सामने खड़ा होगा उसकी पिक्चर क्लिक होगी और इंस्टेंटली हम उसको प्रिंट भी करके देंगे, और एक डिजिटल फोटोग्राफ एक मेमोरी के लिए हमने एक स्कैनर भी प्रोवाइड किया है। आप आएंगे, आप जैसे कि देख सकते हैं ऐसी पिक्चर आपको प्रिंट होके मिलेगी यहाँ गलगोटिया के स्टॉल पे। और जैसे मैंने बोला उस इमोशन को जिया जाएगा, और उस इमोशन को एक बार जिया जाता है तो व्हाई नॉट टू हैव अ पिक्चर ऑफ इट, सो दैट वी कैन रीलिव इट एवरी टाइम वी सी अ पिक्चर। बनाने का प्रोसेस क्या था, किस तरीके से डिज़ाइन किया गया? सर, इट वॉज बेसिकली लाइक वी नीड टू कैप्चर इट, वी हैव अ DSLR इन इट, तो DSLR कैमरा, जी सर, DSLR यहाँ पर है। फिर हमारे पे स्क्रीन है जो पूरे एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से कंट्रोल की जा रही है। फिर नीचे भी है प्रिंटर जो प्रिंट करता है, सो इट इज कंट्रोल बाय द माउस, तो प्रिंट होता है। जैसे कि हमें बचपन से बोला गया कि हम कहते थे कि चंदा मामा हमेशा दूर के, तो अब वो चीज़ चेंज हो गई क्योंकि हम साउथ पोल पे लैंड कर चुके हैं, तो हम ये चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा पास के। तो आप देख रहे थे गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टॉल है जो कि काफ़ी लोगों को आकर्षित कर रहा है कि चंद्रयान का मॉडल जो है बनाया गया है, साथ ही सेल्फी स्टेशन भी बनाया गया है। एजुकेशन की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहें ग्रैंड न्यूज़ के साथ। अगर आप हम यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।